यहां तो एमएलए एमपीओं को बाहर काटे से एसडीएम और डीसी तो ईबी सरकार वालों को तो उन्हें नहीं पूछ रहा कोई, जाके पता कर लो एमएलए को और बोलो मेरी तो मानना नहीं, मेरा तो फोन नहीं सुनता इस तरह का डीसी आ रहा है। कल रणदीप सुरजेवाला ने जो अपनी छोटी मानसिकता दिखाने का परिचय दिया है, बोलो एसपी, बोलो ये तो नवा एसपी भी मेरी तो सुनता नहीं, पता नहीं किस तरह की सरकार, और मेड़जोता रही खुद की सरकार हमारी है, और मेड़जोता रही खुद की सरकार हमारी है। और एक गाली के रूप में उन्होंने संबोधन दिया अपना कि ये रणदीप अपने आप को कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, परंतु इसको छोटी सी बात भी अपनी बताने नहीं आती मन से और गाली दे करके संबोधन करता है। रणदीप सुरजेवाला जी आप बोलना सीखे। कल रणदीप सुरजेवाला ने जो अपनी छोटी मानसिकता दिखाने का परिचय दिया है और एक गाली के रूप में उन्होंने संबोधन दिया अपना जिसको पूरे हरियाणा की नहीं कहूँगा हिंदुस्तान की जनता सुन रही थी और लोग इससे ये महसूस करते हैं, मेरे पास भी कल से कम 50-100 फोन आए होंगे कि ये रणदीप अपने आप को कहता है कि मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, परंतु इसको छोटी सी बात भी अपनी बताने नहीं आती मन से और गाली दे करके संबोधन करता है। मैं सर्वप्रथम तो यही कहूँगा कि रणदीप सुरजेवाला जी आप बोलना सीखें और हरियाणा की जनता से माफ़ी मांगे। जहाँ तक ये बात है कि हमारी कोई सुनता नहीं चलता नहीं, भाई सुरजेवाला जी ये सरकार हरियाणा की जनता ने बनाई है, 5 साल डंके की चोट पर सरकार चलेगी और मैं तो इससे आगे ये कहूँगा जा करके कि वो अपनी हार को पचा नहीं रही, क्योंकि उसको कई शॉट लग चुके हैं। पहले जींद की जनता ने उनको धरती दिखाने का काम किया और उसके बाद कैथल की जनता ने भी इनको पूरे तौर से रिजेक्ट करती है, कर दिया है, करने का काम किया कैथल की जनता ने, तो आज वो फेडअप है, फर्स्ट एड है और वो हार को पचा नहीं पा रहे, इसलिए वो अपनी जो राजनीतिक जमीन है उसको खो चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का उन्होंने देख लिया दिवाला निकल चुका है, हरियाणा में भी और हिंदुस्तान में भी आप देखना 8 से 10 दिन के अंदर कांग्रेस बुरी तरह से बिखरेगी और बिखर जाएगी। ये लोगों को हरियाणा की और हिंदुस्तान की जनता ने कांग्रेसियों को इनकी जमीन दिखाने का काम किया है, इनकी औकात बताने का काम किया है। और अगर झगड़ा हो गया, अगर अपनी खराब होगी, आली होगी, काली होगी, उसमें कोई चमक कम होगी, फिर एसडीएम फैसला करेगा, डीसी एसडीएम डीसी तो तब नहीं पे नहीं बढ़ने देंगे, इन पत्रकार भाइयों को नहीं बढ़ने देंगे, तो तब में कौन बढ़ने था, यहां तो एमएलए एमपीओं को बाहर काटे से एसडीएम और डीसी तो ईबी सरकार वालों को तो उन्हें नहीं पूछ रहा कोई, जाके पता कर लो एमएलए को और बोलो मेरी तो मानना नहीं, मेरा तो फोन नहीं सुनता इस तरह का डीसी आ रहा है। सही गलत है, गलत कहूं सही है, बोलो एसपी, बोलो ये तो नवा एसपी भी मेरी तो सुनता नहीं, पता नहीं किस तरह की सरकार, और मेड़जोता रही खुद की सरकार हमारी है, तो जब उन्हें की नहीं सुन रहा खसमों की, अपने कौन सुनने वाला, गरीब किसान और मजदूर की अपनी तो जमाई कौन सुननी, फिर क्या होगा, यह तीसरा कानून।